नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अंकित वाजपेयी एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल आर ग्रीन प्लैनेट पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि ये वीडियो देखकर समझ ही गए होंगे, जी हां दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप मानसून के महीने में अपने घर में अपने टेरेस गार्डन में ग्रो कर सकते हैं ल्यूकोफिलम के पौधे को। जी हां दोस्तों, ये गर्मियों में देता है बेहद ही खूबसूरत से फूल। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि क्या क्या बरतनी है सावधानियां और कैसे हम ग्रो कर सकते हैं ल्यूकोफिलम के पौधे को इसकी कटिंग से। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये मैंने ले लिया है पौधा ल्यूकोफिलम का, जैसा कि आप ये देख रहे हैं। तो आज हम इससे ही तैयार करेंगे इसके दूसरे पौधे को कटिंग मेथड से। तो हम इसमें से सिलेक्शन करेंगे एक ब्रांच का, और ये ब्रांच मुझे सही लग रही है, मैच्योर लग रही है, सेमी हार्डवुड लग रही है, तो मैं इस कटिंग को लूँगा और इसको ही मैं ग्रो करने की कोशिश करूँगा। तो अब हम इस ब्रांच को साफ़ कर लेंगे, जो भी ये एक्स्ट्रा ब्रांचेस हैं छोटी छोटी हल्की हल्की, इन सबको रिमूव कर देंगे ताकि हमारी ये ब्रांच अच्छे से सक्सेस हो जाए। और बहुत बड़ी ब्रांच दोस्तों लेने की ज़रूरत नहीं है, 10 से 12 इंच की ब्रांच सफिशिएंट होती है। उससे बड़ी ब्रांच अगर आप लेते हैं तो फिर उसका सक्सेस रेट हो जाता है कम। और मैं ये एक दूसरी कटिंग भी लूँगा क्योंकि ये भी मुझे ठीक लग रही है और इसके भी ग्रो होने के चांसेस हैं। तो अब इन दोनों कटिंग को मैं इस पॉट में लगाऊंगा। तो दोस्तों, जो इस पॉट में मैंने सॉइल यूज़ की है वो सिंपल गार्डन सॉइल है, अभी मैंने इसमें किसी भी तरीके की कोई भी फर्टिलाइज़र को ऐड नहीं किया है, सिर्फ सिंपल गार्डन सॉइल है। और एक चीज़ का ध्यान रखें कि जो भी इसका ड्रेनेज सिस्टम है वो अच्छा होना चाहिए और इसमें वाटर बिल्कुल भी स्टोर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इसमें वाटर स्टोर होने लगेगा तो आपके कटिंग के लगने के चांसेस हो जाएंगे बहुत ज़्यादा कम। तो अब हम इस कटिंग पे एक शार्प कट मारेंगे, क्योंकि जो इस कटिंग का ऊपर की लेयर है वो बहुत ही स्ट्रांग है, तो हमको उसको रिमूव करना पड़ेगा और ये इस तरीके से हम इसको हटा देंगे। थोड़ा सा गहरा कट मारना है और सेम प्रोसेस दूसरी साइड भी इसके करेंगे लाइक दिस। और अब सेम इसी तरीके से हम इस दूसरी कटिंग को भी ऊपर से इसका एक लेयर रिमूव कर देंगे। थोड़ा सा गहरा कट मारना रहेगा दोस्तों, ये और दूसरा ये। तो अब दोस्तों इसको डिप कर लेंगे रूटिंग हार्मोन में। अब एक टूल की मदद से हम इसमें कर देंगे होल ताकि इसमें हमारी कटिंग आराम से चली जाए और उसमें लगा हुआ रूटिंग हार्मोन उसमें लगा रहे, और ये आराम से हम ये कटिंग इसमें डालेंगे। अब मैं इस दूसरी कटिंग को भी इसी पॉट में लगा दूंगा, और अब हम इस पॉट की सॉइल को अच्छे से दबा देंगे ताकि अंदर कोई एयर पॉकेट ना रह जाए और जिससे कि हमारी कटिंग अच्छे से लग जाए। तो इस तरीके से दोस्तों अब हमारी दोनों कटिंग लग गई हैं। और इसको अगर आप कटिंग से ग्रो करना चाहते हैं तो दोस्तों, जो टेम्परेचर आपके वेदर का हो वो 30 से 35 डिग्री का हो, और इसको मॉनसून के टाइम पर ग्रो करें, क्योंकि मॉनसून के टाइम में ह्यूमिडिटी होती है बहुत ज़्यादा, जिससे आपके लगने के चांसेस जाते हैं बढ़। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, और इसके बाद दोस्तों हम इसको एक ऐसे प्लेस पर रख देंगे जहाँ मॉर्निंग और इवनिंग की 1 से 1.5 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट आती हो और बाकी डे टाइम में सनलाइट का रिफ्लेक्शन आता हो। तो हम इसको उस प्लेस पर रख देंगे और फिर देखते हैं कि इसका आगे का क्या रिजल्ट है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने इसकी कटिंग लगा दी है, इसका जो भी अपडेट होगा मैं आपको शेयर करता हूँ आगे। तो दोस्तों, ये है रिज़ल्ट 10 दिन के बाद का। ये मैंने कटिंग लगाई थी दो, और इसमें बहुत हल्की हल्की छोटे छोटे ग्रीन ग्रीन बड ग्रो होने लगे हैं, और ये दोनों ही कटिंग मेरी लग गई हैं। तो रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा रहा है, और मैंने उस पौधे से थोड़ी सी कटिंग और भी इस दूसरे पॉट में भी लगा दी थी, और ये भी ऑलमोस्ट सारी की सारी कटिंग लग रही हैं, क्योंकि सब में ग्रीन छोटे छोटे बर्ड आ रहे हैं। तो इस तरीके से आप भी ग्रो कर सकते हैं ल्यूकोफिलम के पौधे को कटिंग से। और दोस्तों, ये रहा रिजल्ट 25 दिन के बाद का। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें ग्रीन ग्रीन बर्ड आने लगे हैं और बहुत अच्छे से सारी कटिंग मेरी ग्रो हुई है। ये देखिए आप, इसमें ये लाइट ग्रीन कलर के बर्ड हैं आए हुए। और अब हम इस कटिंग को रख देंगे डायरेक्ट सनलाइट में, क्योंकि दोस्तों अब ये कटिंग लग रही है, अब हम इसको डायरेक्ट सनलाइट देंगे तो ये जल्दी ग्रो करेगी। और ये दूसरी कटिंग जो कि मैंने उस पौधे से काट कर लगाई थी इसमें, और ये सारी कटिंग भी अच्छे से ग्रो हो रही हैं। और ये देखिए दोस्तों, पौधा जिससे कि मैंने सारी कटिंग ली थी, अब इसमें भी नए नए बर्ड आ रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप में से जो भी पहली बार मेरा ये चैनल देख रहे हैं, प्लीज़ रेड वाले सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, और मेरे वीडियोस को सबसे पहले अपडेट पाने के लिए बेल वाले बटन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिए। तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो हमारा अपना चैनल आर ग्रीन प्लैनेट। फिर मिलूंगा आपको अगले नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।